दिल्ली उच्च न्यायालय ने बांटला हाउस को स्वतंत्रता दिवस में रिलीज करने की अनुमति दी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को स्वतंत्रता दिवस पर जॉन अब्राहम अभिनीत फिल्म बांटला हाउस को इस शर्त पर रिलीज करने की अनुमति दी कि फिल्म निर्माता इस बात का खुलासा करेंगे कि फिल्म में कोई भी किरदार वास्तविक जीवन में किसी से मिलता जुलता नहीं है और कहानी प्रकृति में काल्पनिक है। न्यायमूर्ति विभू बाखरू ने यह भी स्पष्ट किया कि फिल्म को कुछ बदलावों के लिए आगे मंजूरी के लिए केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के समक्ष फिर से प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। अदालत ने कहा कि फिल्म को 15 अगस्त को रिलीज से नहीं रोका जाएगा। अदालत ने कहा कि फिल्म में कुछ संशोधनों के आधार पर सभी पक्षों के निपटारे के बाद आदेश पारित किया गया था और अस्वीकरणों को लागू किया गया था। अदालत ने आगे निर्देशक और निर्माता जो अदालत में मौजूद थे को तत्कालीन विशेष सेल अधिकारी की वास्तविक तस्वीर नहीं लगाने के लिए कहा, जिसने जामिया नगर के एक फ्लैट में मुठभेड़ के समय टीम का नेतृत्व किया था।